टोक्यो में पैरा ओलंपिक की हुई रंगारंग शुरुआत, प्रधानमंत्री मोदी ने तालियां बजाकर बढ़ाया 54 भारतीय खिलाड़ियों का हौसला, कहा शुभकामनाएं। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की कलश यात्रा निकालेगी बीजेपी, सूत्रों के हवाले से खबर, संघ और बीजेपी के नेता कलश यात्रा पर कर रहे हैं मंथन। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, स्मृति ईरानी का पलटवार, 70 साल में अमेठी में एक अस्पताल तक नहीं बना पाया परिवार। नवजोत सिद्धू के विवादित सलाहकारों को बीजेपी ने बताया देश के लिए खतरा, कहा पंजाब कांग्रेस के झगड़े में राष्ट्रीय सुरक्षा से हो रहा खिलवाड़। अब यूपी में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस एयरोस्पेस के सीईओ ने सीएम योगी से की मुलाकात, डिफेंस कॉरिडोर में मांगी 200 एकड़ जमीन। 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीएम योगी की बड़ी सौगात, 28% महंगाई भत्ते को दी मंजूरी, 1 जुलाई 2021 से बढ़ी हुई दरें लागू। राष्ट्रपति के दौरे से पहले सीएम योगी पहुंचे गोरखपुर, तैयारियों की समीक्षा, 28 अगस्त को गोरखपुर आ रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या आगमन की तैयारियां पूरी हुई, स्पेशल थीम सॉन्ग से किया जाएगा राष्ट्रपति का स्वागत, गायिका मालिनी अवस्थी ने गाया है गाना। पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि नहीं देने पर शुरू हुआ सियासी संग्राम, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कई मुस्लिम वोट बैंक के मुंह में उन्होंने पिछड़ों के सबसे बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने से तो नहीं रोका। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा, ट्वीट कर लिखा आपके द्वारा पिछड़ा वर्ग की बात करना केवल ढोंग है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अखिलेश यादव की नैतिकता पर उठाए सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल न होने पर की निंदा। यूपी में आज से खुले 6वीं से 8वीं तक के स्कूल, 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट में लगी क्लासेस, स्कूल न आने वाले बच्चे घर से ही कर सकेंगे ऑनलाइन क्लासेस। चंदौली में स्कूल खुलने से बच्चे काफी खुश दिखे, सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइन का पालन हुआ। झांसी में स्कूल आए छात्रों के पास नहीं है किताबें, किताबें न होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई शुरू होने में देरी हुई। अमरोहा के गांव बूढ़नपुर स्थित एग्लो एक्सपोर्ट कंपनी का राज्यपाल ने किया दौरा, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निरीक्षण के दौरान पूरे इलाके में थी हाई सिक्योरिटी। बुलंदशहर पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने किया स्वागत, निजी काम से बुलंदशहर के खुर्जा पहुंची थी राज्यपाल। उत्तर प्रदेश में अब मिर्जापुर का नाम बदलने की उठी मांग, विंध्याचल धाम की पहचान के आधार पर नाम बदलने की उठी मांग, लोगों ने प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। कन्नौज में ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित करते हुए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद मिश्रा ने विक्रू कांड में हुई कार्रवाई को लेकर खड़े किए सवाल, सरकार बनने पर फिर से जांच कराने की बात कही। शामली में बीकेयू ने पदाधिकारियों और नेताओं के साथ मीटिंग की, मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत की तैयारियों में जुटी बीकेयू। कानपुर में बिजली की समस्या को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केस्को के एमटी से की मुलाकात, जनता की समस्याओं से कराया अवगत। उत्तराखंड विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही, सरकार ने आज पेश किया अनुपूरक बजट, विकास योजनाओं को मिलेगी रफ्तार। उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ 5720 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट, आज सदन में 6 विधेयक भी किए गए पेश, कई मुद्दों पर विपक्ष ने किया हंगामा। देश में कानून व्यवस्था की रैंकिंग में एक नंबर पर उत्तराखंड, नीति आयोग ने जारी की एसडीजी इंडेक्स 2020-21 की रैंकिंग, सीएम धामी ने किया ट्वीट, देश का नंबर एक राज्य बनने की ओर अग्रसर है उत्तराखंड। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भगवान गणेश के रूप में दिखाने वाले पूर्व सीएम हरीश रावत सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल, बीजेपी ने ली चुटकी। गणेश गोदियाल को भगवान गणेश के रूप में दिखाने पर बीजेपी ने हरीश रावत को घेरा, कहा कांग्रेसी तो सोने गांधी को भी बताते हैं भगवान, हरीश रावत बोले बीजेपी को मेरी हर बात से परेशानी। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक का बड़ा बयान, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर प्रस्ताव लेकर आने की बात कही, 2 से ज्यादा बच्चे हों तो सरकारी नौकरी भी नहीं देने का सुझाव। देहरादून में बीएड प्रशिक्षित ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा कूच किया, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की मांग की।
सल्ट विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक महेश जीना का वीडियो हो रहा वायरल, महिलाओं के अपमान का लगा आरोप, लड़की से माइक छीनते हुए दिखे एमएलए। उत्तराखंड के पेयजल मंत्री विशन सिंह चौपाल की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक का आयोजन, सितंबर तक पूरी डीपीआर बनाने के निर्देश। 12 सूत्री मांगों को लेकर बाजपुर में आशा वर्कर्स का 23 दिन से कार्य बहिष्कार जारी, सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अल्मोड़ा में आशा वर्कर ने कार्य बहिष्कार किया, धरने पर बैठी वर्कर्स ने मंत्री रेखा आर्या के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। देहरादून में अपनी मांगों को लेकर भोजन माताओं ने किया धरना प्रदर्शन, पुलिस ने उन्हें विधानसभा के पास लगी बैरिकेडिंग के पास रोका। बाजपुर में भोजन माताओं ने किया प्रदर्शन, अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर भगत सिंह चौक पर किया प्रदर्शन। चमोली में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब अभी तक श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से बंद, बाहर से गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन कर वापस लौट रहे हैं पर्यटक। चमोली में चारधाम यात्रा खोलने को लेकर निकाली गई आक्रोश रैली, सरकार को सर्वबुद्धि देने के लिए किया गया यज्ञ, 5वें दिन भी जारी रहा क्रमिक अनशन। टिहरी में पर्यटन स्थलों के लिए की जा रही है अनोखी पहल, साहसिक खेल विभाग युवाओं को दे रहा है गाइड का प्रशिक्षण, युवाओं को भी मिलेगा रोजगार। काशीपुर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, लोगों को गर्मी से मिली राहत, बारिश के चलते मौसम हुआ सुहाना। हल्द्वानी ज्योली कोट अल्मोड़ा नेशनल हाईवे पर भूस्खलन होने से रास्ता हुआ बंद, राहत कार्य में जुटी एसडीआरएफ की टीम, 5 दिन से भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे पर बंद है आवाजाही। टोक्यो ओलंपिक में अपनी छाप छोड़ने वाले हॉकी खिलाड़ी सिमरनजीत सिंह पहुंचे रुद्रपुर, लोगों ने किया जोरदार स्वागत, सरकार से खेलों की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की अपील की। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने दूसरी बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जल्द नई सरकार का होगा गठन, दुनिया के संगठनों से मांगा सहयोग, अमेरिकी सेना 31 अगस्त तक खाली करे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भारतीयों की मिशन वापसी को दिया गया ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम, आज काबुल से 78 लोगों को दिल्ली लाया गया, अब तक 228 भारतीय समेत 626 लोग निकाले गए। अफगानिस्तान के संकट पर पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 45 मिनट तक हुई बातचीत, दोनों देशों में हुई चर्चा। यूएनएचआरसी की बैठक में भारत ने कहा अफगानिस्तान में मानव अधिकार का खनन, अफगानिस्तान का इस्तेमाल ना करें लश्कर जैश जैसे आतंकी संगठन। अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंची श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां, कजाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचे 78 लोग। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर 3 प्रतियों को रिसीव किया, गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति को सिर पर रखकर पूरे सम्मान के साथ दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर लेकर आए। काबुल से लाई गई श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां दिल्ली के महावीर नगर में गुरु अर्जुन देव गुरुद्वारा में स्थापित किया गया। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद नहीं थम रही तालिबान की क्रूरता, गजनी प्रांत में तालिबानी आतंकियों ने गिराया ऐतिहासिक गेट। अफगानिस्तान में रह रहे संभल के 2 लोग वापस भारत लौटे, अभी भी कई भारतीय अफगानिस्तान में फंसे, अमेरिकी सेना की मदद से दोनों लौटे। बुलंदशहर के रहने वाले मुकेश अफगानिस्तान से वापस लौटे हैं, परिवार में खुशी का माहौल है। अफगानिस्तान में मची उथल पुथल के बीच भारत में बढ़े ड्राई फ्रूट्स के दाम, कानपुर की नयागंज मंडी में व्यापारी मंदी से परेशान। गुपकार ने फिर लगाई 370 की बहाली की रट, फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई बैठक, सोपोर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकी मार गिराए। उद्धव ठाकरे पर विवादित बयान देने के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे गिरफ्तार, बीजेपी ने कहा महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की कल रायगढ़ कोर्ट में पेशी, जमानत पर भी कल बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। गुरुग्राम में एक मकान मालिक की हैवानियत, किराएदार के परिवार के 3 लोग और अपनी बहू की धारदार हथियार से हत्या की गई।
बीएसपी सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती की हुई मौत। सुप्रीम कोर्ट के बाहर दोस्त के साथ लगाई थी आग, 9 दिन के अंदर दोनों ने तोड़ा था। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को मिली बड़ी राहत, पैन कार्ड गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, अब जेल से बाहर आ सकते हैं अब्दुल्ला आजम। एमपीएमएलए कोर्ट से मुख्तार अंसारी को झटका, धमकी देने के मामले में कोर्ट ने तय किए आरोप, साल 1997 में वाराणसी के बेलूपुर थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। लखनऊ में विधानसभा के सामने युवक ने की आत्मदाह की कोशिश, सुरक्षा कर्मियों ने युवक को बचाया, खाद्य रसद विभाग के अधिकारियों पर लगाया गबन का आरोप। कानपुर में गुमशुदगी मामले में लापरवाही बरतने पर हुआ एक्शन, चकेरी थाना अध्यक्ष को किया गया लाइन हाजिर, जाचमो चौकी इंचार्ज निलंबित, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने नहीं की थी कार्रवाई। देहरादून में विदेशी डॉग खरीदने के मामले में ठगी करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार, लैपटॉप, दर्जनों एटीएम और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुए बरामद, लगभग 67,000 की ठगी का मामला था। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में 12वीं मंजिल से गिरने से एक साल के बच्चे की मौत हुई, लोगों ने की बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग, रेलिंग में गैप होने की वजह से गिरा बच्चा। बुलंदशहर में ग्राम प्रधान के बेटे ने की हवाई फायरिंग, वीडियो वायरल होने के बाद दो आरोपी गिरफ्तार। जालौन में जमीन के विवाद में युवक ने बुजुर्ग को मारी गोली, एक दिन पहले भी फायरिंग में युवक को किया था घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बहराइच में 25,000 के इनामी बदमाश को विस्फोटक सामग्री के साथ किया गिरफ्तार, थाना प्रयागपुर की पुलिस और एसओजी की टीम ने की गिरफ्तारी। झांसी में पति ने पत्नी की हत्या कर खुद भी की आत्महत्या, शख्स की भी इलाज के दौरान हुई मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जौनपुर में डकैती करने वाले गैंग का हुआ खुलासा, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, तमंचा कारतूस और लोहे की पाइप बरामद। मैनपुरी में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जेवर तमंचा और बाइक बरामद। ललितपुर में घर से कैश और जेवर लेकर फरार हुई युवतियों ने पुलिस को पकड़ा, युवतियों को उनके परिजनों को सौंपा गया। हमीरपुर में पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से बरामद हुआ 25 किलो गांजा। गाजियाबाद में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 1.5 लाख रुपए बरामद किए। बिजनौर में सोमवार से लापता महिला का शव खेत में मिलने से मचा हड़कंप, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या करने वाले आरोपी नाती को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने आरोपी को भेजा जेल। आजमगढ़ में ग्राहक सेवा केंद्र से बदमाशों ने तमंचा के बल पर लूटे 2 लाख रुपए, मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में अधिवक्ता के घर के बाहर उत्पात मचाने वाले युवकों की हुई पहचान, दो पक्षों के बीच पुराने विवाद के चलते हुई थी घटना, युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। शामली में हत्या के मामले में फरार चल रहा 2 आरोपी गिरफ्तार, दोनों पर था 25,000 का इनाम, कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद। आजमगढ़ में बाढ़ को लेकर घाघरा नदी का प्रशासन ने निरीक्षण किया, डीएम ने दी आवश्यक दिशा निर्देश। जौनपुर में मछली पकड़ने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हुई, एक का शव बरामद हुआ, दूसरे की तलाश जारी। लखनऊ में शायर मुनव्वर राणा का फूंका गया पुतला, भगवान वाल्मीकि की तुलना तालिबानी आतंकी से किए जाने पर वाल्मीकि समाज नाराज। बलरामपुर में पीईटी परीक्षा के दौरान बेहद चौंकाने वाली तस्वीर आई सामने, परीक्षार्थियों को जान जोखिम में डालकर देनी पड़ी परीक्षा, बाढ़ की वजह से सड़कों पर भरा पानी। अयोध्या में पीईटी परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों ने किया हंगामा, ट्रैफिक की वजह से 10 मिनट लेट आने पर अभ्यर्थियों को नहीं मिली थी एंट्री। रायबरेली में भवानी पेपर मिल में असेसमेंट करने आई लिक्विडेटर का कर्मचारियों ने घेराव किया, तनख्वाह, ग्रेच्युटी और दूसरे फंड को लेकर मांग की। रायबरेली में 1857 की क्रांति के नायक राणा बेनी माधव सिंह की पुण्यतिथि पर उनको याद किया गया, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें लोगों ने श्रद्धांजलि दी।
बुलंदशहर में अशोक चक्र से सम्मानित शहीद नायक नीरज कुमार की प्रतिमा का हुआ अनावरण, शहादत के 7 साल बाद हुआ अनावरण, आरआर बटालियन की टुकड़ी ने शहीद को दी सलामी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के संपत्ति विभाग ने दी छूट, आवासीय भूखंड और भवन आवंटियों के लिए 30 सितंबर तक दी छूट, बकाया रकम का भुगतान करने पर पेनल्टी से में मिलेगी छूट। नोएडा प्राधिकरण में अब डिग्री डिप्लोमा कर रहे छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया गया, आम लोगों को सुविधा देने के लिए ऑनलाइन कंप्लीशन सॉफ्टवेयर भी शुरू किया गया। जालौन में कोरोना के चलते बंद रही कोच 8 की शटल ट्रेन को फिर से शुरू किया गया, ट्रेन के चलने से लोगों को सुविधा होगी। झांसी में बुंदेली चित्रकला प्रदर्शन का हुआ उद्घाटन, राजकीय संग्रहालय में 3 दिनों के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ। झांसी के मोट कस्बे में अनूठे तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया, पूर्व विधायक ने 1000 मुंह बोली बहनों से बंधवाई राखी। बलिया में भाई ने बहनों को रक्षाबंधन के उपहार में किया दिया शौचालय, पॉकेट मनी और रिश्तेदारों से मिलने वाले पैसों को इकट्ठा कर बनवाया शौचालय।